हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि आप अपने आईफोन में iOS 14 में से iOS 15 कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रसंग, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अभी फ़ोन है उसके अंदर iOS का 14 वर्ज़न अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे जनरल और अबाउट में जाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 14.8 वर्ज़न अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। फिर से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे जनरल, जनरल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले वो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन मेरे केस में इसने ऑलरेडी बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रखा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड दिखा रहा है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन है। तो अगर आप अपने फ़ोन के अंदर iOS अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी वर्ज़न में से कोई भी वर्ज़न, तो दो चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि पहले आप अपने फ़ोन के जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए, फोटो वीडियो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अपडेट नहीं होगा, या तो फिर आपको उसे चार्जिंग पे रखना पड़ेगा। तो अपडेट शुरू करने के लिए अभी मुझे प्रेस करना होगा इंस्टॉल नाउ। तो जैसे ही इंस्टॉल नाउ प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक टर्म्स कंडीशन आएगा, वो मुझे एग्री करना पड़ेगा, और यहाँ पे एग्री, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरीफाइंग अपडेट, यानी जो पैकेज अब डाउनलोड हुआ है अपडेट के लिए वो वेरीफाई होगा और बाद में अपडेट के लिए प्रिपेयर होगा और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपडेट करते हैं उस टाइम पे इंटरनेट की थोड़ी हाई स्पीड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ये पैकेज डाउनलोड होने में जनरली टाइम लगता है। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये वेरीफाइंग अपडेट के लिए। जैसे आपने देखा, ये पूरी ब्लैक स्क्रीन आ गई, और ब्लैक स्क्रीन के बाद एप्पल का लोगो आएगा और वो जो प्रोग्रेस बार है वो प्रोग्रेस बार शुरू हो जाएगा। जनरली ये एक या दो स्टेप में प्रोसेस होती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो भी अपडेट हो रहा है उसे होने देना है। कभी कभी अगर पुराना डिवाइस होता है तो उसे अपडेट होने में टाइम लगता है, आपको लगेगा कि ये प्रोग्रेस बार है वो बहुत धीरे धीरे आगे जा रहा है, फिर भी उसे जाने देना है, उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि फ़ोन जो होता है वो अपडेट बीच में इंटरप्ट हो गया तो फिर से वो हार्ड रीसेट करना पड़ता है और पूरा जो डेटा है वो वाइप आउट हो सकता है। इसलिए बेटर है कि जो भी अपडेट स्लो हो रहा है तो उसे स्लो होने दीजिए। जब भी आप iOS 14 में से 15 या तो कोई भी मेजर वर्जन अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 12 में से 13 वगैरह, उस वक्त ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी कभी पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और प्रोसेस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ने देना है, क्योंकि फ़ोन का जो मॉडल होता है उसके हिसाब से जो प्रोसेसर होता है, तो कभी कभी पुराने फ़ोन में ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, नए डिवाइस में ये थोड़ी प्रोसेस फास्ट होती है। तो जैसे आपने देखा कि दूसरी बार जो था वो प्रोग्रेस थोड़ी 50% होके फिर से ये एंट्री स्क्रीन आ गए। ऑलमोस्ट अभी लगता है कि मेरे iOS जो है वो अपडेट हो गई, और यहाँ पे अभी ये जो नई iOS है उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंट्री स्क्रीन है तो यहाँ से हमें स्वाइप करना है। यहाँ से हम स्वाइप करेंगे तो अब हमें प्रेस करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपको अपना फेस आईडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा, लेकिन अभी मैं वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे टैप करना होगा सेटअप लेटर, यहाँ पे मैं टैप कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे पासकोड सेट करने के लिए भी पूछेगा, वो भी हमें नहीं करना है अभी मुझे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डोंट यूज़ पासकोड, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। थोड़ी वार्निंग भी बताएगा कि रिकमेंडेड है लेकिन मुझे अभी पासकोड सेट नहीं करना है। तो अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपने आईफोन के अंदर एनालिटिक्स जो है उसे ऑन करना है कि नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आपका अपने फ़ोन के अंदर जो यूज़ करते हैं उसकी कुछ एनालिटिकल डिटेल होती है, आपकी पर्सनल डिटेल नहीं होती, लेकिन फ़ोन के रिलेटेड जो स्टेटिस्टिकल डिटेल होती है वो एप्पल के सर्वर पे जाती है, ताकि उसे पता चले कि अगर कभी डिवाइस क्रैश वगैरह होता है तो उसका रीज़न क्या है। तो अभी मैं प्रीफर करूँगा डोंट शेयर, मुझे शेयर नहीं करनी है डिटेल। और यहाँ पे वेलकम टू आईफोन का मैसेज आ गया है, और मेरे ख्याल से यह पूरा अपडेट हो चुका है। स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरे फ़ोन के अंदर iOS 15 अपडेट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आईफोन में iOS अपडेट हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए सेटिंग्स में से जाना है जनरल, और जनरल के अंदर अबाउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि iOS 15.3.1 अपडेट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।